झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी के कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव ने जिला कलेक्टर के अधिकारों को हनन करते हुए तहसील में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया था, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर को मिलने पर कलेक्टर ने कार्यवाहक तहसीलदार को फटकार लगाई तो कार्यवाहक तहसीलदार ने अपने स्थानांतरण के आदेश निरस्त कर दिए, जिसके बाद कार्यवाहक तहसीलदार ने फिर से तहसील में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण करने के लिए SDM को पत्र भेज दिया, जिस पर तहसील में कार्यरत कर्मचारियों में कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। इस संबंध में राजस्थान पटवार संघ ने उदयपुर वाटी के कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव को APO करने के लिए जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र भेजा है। कार्यवाहक तहसीलदार पर कार्यवाही नहीं होने पर 15 जुलाई से कार्य बहिष्कार करने की चुनौती दी गई है। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार थालोर ने जिला कलेक्टर को भेजे पत्र में अवगत करवाया गया है कि उदयपुर वाटी नायब तहसीलदार अनुराग यादव वर्तमान में कार्यवाहक तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए व्यक्तिगत रंजिश व राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर गत 29 जून को अधीनस्थ कर्मचारी भू अभिलेख निरीक्षकों पटवारियों व लिपिकों का स्थानांतरण कर दिया, जिसकी सूचना जिला कलेक्टर को भी नहीं दी गई। बाद में मामले की जानकारी कलेक्टर के सामने आने पर 2 जुलाई को कार्यवाहक तहसीलदार ने कार्मिकों के स्थानांतरण के आदेश निरस्त कर दिए, जिसके दूसरे दिन ही कार्यवाहक तहसीलदार ने 3 जुलाई को कार्मिकों के फिर से स्थानांतरण करने के लिए उपखंड अधिकारी को अभिशंसा भेज दी, जिससे कार्यवाहक तहसीलदार की कार्मिकों के प्रति बदनीयति स्पष्ट नजर आ रही है। कार्यवाहक तहसीलदार की बदनीयति के चलते उदयपुरवाटी तहसील के पटवारियों में असुरक्षा, भय और कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ रोष व्याप्त है। कार्यवाहक तहसीलदार का कर्मचारियों के प्रति व्यवहार, कार्यशैली, भाषा का लहजा अमर्यादित व अनुचित है, जिसके पटवार संघ घोर निंदा करते हुए कार्यवाहक तहसीलदार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए APO करने की मांग करता है। अगर कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो 15 जुलाई से रिक्त पटवार मंडलों के अतिरिक्त कार्यभार का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिला कलेक्टर को भेजी शिकायत में लिखा है कि गत 5 जुलाई रात्रि को कार्यवाहक तहसीलदार अनुराग यादव ने रघुनाथपुरा के पटवारी अशोक कुमार को दूरभाष पर आदेश दिया कि ग्राम रघुनाथपुरा में अवैध बोरिंग हो रही है, जिससे तुरंत बंद करवाकर बोरिंग मशीन को सीज करें। संबंधित पटवारी ने मौके पर पहुंचने पर झगड़ा और मारपीट की संभावना होने पर कार्यवाहक तहसीलदार को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचने की बात कही तो कार्यवाहक तहसीलदार ने कहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, आप मुझे बताओगे क्या, इतना बोलकर फोन काट दिया, जिसके बाद पटवारी मौके पर काफी समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन ना तो पुलिस जब तक मौके पहुंचा और ना ही कार्यवाहक तहसीलदार मौके पहुंचे। साथ ही बोरिंग रुकाने के लिए कार्यवाहक तहसीलदार ने अन्य किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं किया। इस मामले में कार्यवाहक तहसीलदार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, जिसकी पटवार संघ कठोर शब्दों में निंदा करता है। इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। अवैध बोरिंग के मामले में पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक सीधे जनता के निशाने पर होते हैं। जिन अवैध बोरिंग मशीनों को सीज किया जाता है उन पर प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे में सीज की गई बोरिंग मशीनों को राजकीय घोषित करके जलदाय विभाग को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुपुर्द कर देना चाहिए। इस संबंध में पटवार संघ ने निर्णय लिया है कि पटवारियों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब उच्च अधिकारियों व पुलिस जाब्ते के बिना अवैध बोरिंग मशीनों को सीज करने के लिए मौके पर नहीं जाएंगे।